अगर जिंदगी से परेशान होके तुम गेम खेलने जाओ और तुम्हारा गेम फ्रीज हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई मैं जानता हूँ बहुत बुरा लगेगा। तो देखो यार, आज की इस वीडियो में तुम लोगों को कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा जिनकी मदद से अगर तुम लोगों की भी गेम फ्रीज हो जाती है, मतलब गेम खेलते खेलते अटक जाती है, उसके बाद तुम्हें गेम रीस्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद तुम लोगों की गेम सही होती है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से तुम सोल्व कर सकते हो आज की इस वीडियो में इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और हाँ, ये जो भी मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगा ये जेन्युइन होंगी, कोई भी मोड फाइल वगैरह कुछ भी तुम लोगों को नहीं बताऊंगा या फिर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से फ्री फायर को डाउनलोड करो ऐसा कुछ मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। पूरी जेन्युइन तुम्हारी फोन की कुछ ऐसी सेटिंग्स होगी जिनको करने के बाद तुम लोगों का प्रोसेसर, रैम मैनेजमेंट सब कुछ अच्छे से वर्क करेगा और तुम लोगों की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये प्रॉब्लम आती क्यों है। तो देखो, इस प्रॉब्लम के आने के तीन कारण है। मेनली ये प्रॉब्लम जो है फोन की वजह से आती है, गेम की वजह से नहीं आती, गेम अपनी बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, तुम्हारा प्रोसेसर जो है वो काफी स्लो या फिर बोल सकते हो काफी पुराना है, या फिर बोल सकते हो उसका आर्किटेक्चर जो होता है ना, आर्किटेक्चर समझ गए ना तुम भाई, वो जो है 4 या फिर मतलब 4 नहीं बोल सकते, वो जो है 10 या 12 NM का होगा। तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, बेसिकली इसको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। तो देखो, तुम्हारा जो प्रोसेसर है ना वो जितना ज्यादा कम आर्किटेक्चर यानी कि बोल सकते हो NM का होगा ना, तुम लोगों ने सुना होगा ये 4 NM का प्रोसेसर है, ये 3 NM, तो जितना कम NM होगा उतना बढ़िया तुम लोगों का जो है प्रोसेसर वो परफॉर्मेंस देगा, और जितना ज्यादा होगा ना NM उतना कम उसका परफॉर्मेंस देगा। तो हो सकता है तुम्हारा जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा NM का है, लेकिन अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई अपने लोगों का पहले गेम से ही चलता था लेकिन आज के टाइम पे नहीं चलता। तो देखो, जैसे जैसे गेम्स में अपडेट आती है, गेम जो है बड़े साइज की होती है, तुम्हारा जो फोन है ना उनको हैंडल नहीं कर पाता। दूसरी बात, हो सकता है तुम लोग मोबाइल में जो है रैम कम हो, रैम मैनेज जो है अच्छे से नहीं हो पा रही हो, इसलिए भी प्रॉब्लम आ सकता है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि तुम लोगों की हो सकता है फोन की स्टोरेज काफी ज्यादा फुल हो। तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों को जो है प्रोसेसर जो है उसको सही करने का तरीका तुम लोगों को लास्ट में बताऊंगा। अभी बात करते हैं रैम की। तो देखो, रैम मैनेजमेंट को सही करने के लिए तुम लोगों को जो है अपने फोन की हर एक ऐप में जाना है फ्री फायर के अलावा, और तुम लोगों को वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो में बैकग्राउंड डेटा का, उसको ऑफ कर देना। उसके बाद तुम लोगों का जो कोई भी ऐप है ना वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, जैसे तुम लोगों को किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना वो तभी ओपन होगा जब तुम लोग जो एप्लीकेशन को बंद कर दोगे, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, दोबारा जैसे ही खोलोगे तब ऑन होगा। तो इससे जो है तुम्हारे जितने भी मोबाइल के एप्लीकेशन है ना वो बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देंगे। ध्यान रखना, फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स जो भी तुम लोग खेलते हो ना उसको बैकग्राउंड में ऑफ नहीं करना, उसको चलते रहने देना। दूसरी बात, अगर स्टोरेज की बात करें तो देखो, तुम्हारे मोबाइल में जितने भी एक्स्ट्रा फोटोज, वीडियोज, गाने कुछ भी है ना, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी है, उनको भी अनइंस्टॉल कर दो। एग्जाम्पल के लिए स्नैपचैट ले लो, भाई तुम लोन ले हो, तुम्हें स्नैपचैट की जरूरत है नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो भी एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम रखा है तो उसको भी क्रोम पे उनकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छा चलता है। अभी बात करते हैं कि अगर तुम लोगों को ये सब करने के बाद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, तो भाई देखो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हारा फोन 1-2 साल पुराना तो जैसे ही गेम खेलते हो कभी कभी उसको जो है चार्ज पे लगा के गेम ऑन करके एक आध गेम लगा के फिर चार्जिंग से निकाल दिया करो। इसी जो है तुम्हारा जब गेम स्टार्ट होता है फोन को फुल परफॉर्मेंस मिल जाता है। जैसे अपना पीसी और लैपटॉप जो है, पीसी तो वैसे भी चार्जिंग पे लगा के चलता है, तो लैपटॉप को जैसे तुम चार्जिंग पे लगा के चलते हो तो उसका परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाता है ना, वैसे फोन में भी जो है कुछ हद तक जो है चार्जिंग लगाने पे बूस्ट हो जाता है। तो जो है उसको हाँ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि चार्जिंग पे लगा के ही खेलो, कुछ टाइम के लिए चार्जिंग पे लगा के अगर एक आध लॉन्ग वॉक भी खेल गया ना तो भी तुम्हारा अच्छा फोन रिस्पॉन्स करने लगेगा, उसके बाद चार्जिंग से निकालो और अच्छे से खेलो। और दूसरी बात, इसको जो है ज़्यादा बैटरी पे यूज़ किया करो, मतलब 90, 80, 70, 60 इतना बैटरी है ना तब यूज़ किया करो। कुछ लोग मैंने देखा भाई 10-15% पे यूज़ करते हैं, तब भाई तुम्हारे फोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। अभी बात करते हैं कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर तुम लोगों की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो जाहिर सी बात है तुम लोगों का प्रोसेसर जो है इतना केपेबल नहीं है कि गेम को जो है अच्छे से रन करवा सके। तो देखो, तुम लोगों को इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने फोन को एक बार रीसेट कर देना है। जैसे तुम लोग अपना फोन को रीसेट करोगे तुम लोगों को फोन का CPU GPU APU सब कुछ रीसेट हो जाएगा और तुम लोगों का जो प्रोसेसर है ना वो पहले जैसे वर्क करेगा, मतलब जैसे पहले तुम लोगों की गेम एकदम हाई ग्राफिक्स में स्मूथ चलती थी ना, कुछ परसेंट तक फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ परसेंट तक। लेकिन अगर रीसेट करने के बाद भी तुम लोगों को फिर से जो है लोडिंग प्रॉब्लम आती है या फिर मतलब लैग या फिर जो भी बोलते हैं उसको स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा फोन अब भाई इतना कैपेबल नहीं रहा कि वो इस गेम को चला सके। तो तुम्हें जो है काफी कुछ पैसे और डालकर इस फोन को भी बेच देना और भाई नया फोन ले लेना, उसमें तुम्हारी गेम अच्छे से रन करेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी जेन्युइन ट्रिक नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर बोलता है और कोई भी ट्रिक्स है तो भाई उसकी सुन लो भाई, मेरी क्या, मैं तो भाई जेन्युइन ट्रिक्स बता दो, जेन्युइन ट्रिक्स इससे अलावा कोई नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप कि तुम लोगों को सारे सॉल्यूशन मिल गए होंगे, अगर नहीं मिला तो भाई अभी क्या कर सकते हैं भाई, दुनिया में तो जेन्युइन इतने ही सॉल्यूशन है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।